मुद मंगल में सन समाज सम्मानी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आप लोगों ने सुना होगा, पुराणों में कथा आती है, देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। तब समुद्र से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में एक रत्न अमृत भी था, तो एक रत्न हलाहल विष भी था। अमृत और विष दोनों का उद्गम स्थल एक ही जगह है। बाहर आपको जहर तो बहुत मिल जाएंगे, गांव गांव में अब जहर की दुकान खुल चुकी है। जिन्हें आप जहर कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जिनके पीने से खाने से आदमी की मौत हो जाती है, वह तो जहर है ही, उससे तो सब परिचित है ही। लेकिन जितने प्रकार के दुर्व्यसन की चीजें हैं, वो सब भी जहर है। तत्काल उससे शरीर का नाश तो नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसे शरीर गलता चला जाता है। जहर जगह जगह मिल जाएगा, कहीं चले जाओ, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी दुकान नहीं है जहां अमृत बिकता हो। अमृत की चाहना सबके मन में है, लेकिन अमृत है कहां, कहां से मिलेगा, इसका पता लोगों को नहीं है। इसलिए सब जहर में ही डूबे हुए हम सब, जहर और अमृत दोनों का उद्गम स्थल एक ही है। समुद्र से न तो अमृत निकलता है और न जहर निकलता है, वो तो एक कथा है, रूपक है। समुद्र में कहीं अमृत और जहर नहीं है। हमारा अंतःकरण ही समुद्र है, इसी में अमृत है, इसी में जहर है। दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, समता, शांति, संतोष, त्याग, सत्य, विवेक, विचार, धैर्य, ये जो सद्गुण हैं, यही अमृत है। जीवन में जितना हम इनका प्रयोग और व्यवहार करते जाते हैं, उतना हमारा जीवन अमृत बनता चला जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, कड़ता, कलह, कल्पना, जो मन के विकार हैं, ये सब जहर हैं। जीवन में जितना इनका व्यवहार होता है, प्रयोग होता है, जीवन उतना दुख, अशांति, पीड़ा से घिरता और भरता चला जाता है।
अंतःकरण में ही अमृत, अंतःकरण में ही जहर, लेकिन अमृत दबा रहता है, जहर उभरा रहता है। हमें करना क्या है? उभरा हुआ जहर दबता चला जाए, शांत हो जाए, समाप्त हो जाए, दबा हुआ अमृत उभरता चला जाए, जीवन में छाता चला जाए, बस जीवन सफल है। यही जीवन जीने का तरीका है। देवासुर संग्राम की जो बात आती है वह भी बाहर की नहीं है, अंदर की है। हमारे मन में निरंतर देवासुर संग्राम चलता रहता है, क्रोध और क्षमा का संग्राम, प्रेम और घृणा का संग्राम, लोभ और संतोष का संग्राम, कामना और निष्कामता का संग्राम, धीरज और उतावलापन का संग्राम सब समय चलता रहता है। हम जिधर अपनी सत्ता देते हैं उस पक्ष की विजय होती है। गीता में 16वें अध्याय में जो दैवी और आसुरी संपदा की बात आती है वो कोई बाहरी कोई बात थोड़े है, आंतरिक ही बात ही है। जितने भी दैवी संपदा के लक्षण बताए गए हैं वो जीवन की सद्गुण के लिए है, आसुरी संपदा के लक्षण दुर्गुणों के लिए है। सद्गुणों को उभारें, दुर्गुणों को शांत करें, यही हमारा काम है, यही धर्म का, भक्ति का, सेवा का, सदाचार का, पूजा पाठ ध्यान चिंतन का फल है, परिणाम है। अमृत शब्द हमने सुना बहुत है, अनुभव नहीं किया है। अनुभव कैसे हो? अनुभव करने के लिए मन को अंतर्मुख करना पड़ेगा। सद्गुरु कबीर ने कहा है, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए, कहे ही कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। लोग अमृत वस्तु को नहीं जानते, विष को ही अमृत मान करके उसी में मगन है। अमृत क्या है? आपका अपना आपा, आपका अपना अस्तित्व, निष्कामता, और जितने विषय विकार हैं वो सब जहर हैं। मन में कामना ना हो, निष्कामता हो मन में, अनासक्ति हो मन में, साहब कहते हैं बस तुम्हारा जीवन अमृत हो गया, मरना नहीं होगा। व्यवहारिक रूप से अमृत का अनुभव कैसे हो जीवन में, अमृत का व्यवहार कैसे हो, हम सरल रूप से समझें। सबके लिए जो आवश्यक है ग्राह्य है, कम बोलना अमृत है, कम खाना अमृत है, कम सोचना अमृत है, तृष्णा का त्याग कर मन में संतोष रखना अमृत है, काम का त्याग करके मन को राम में लगाना अमृत है, मन की बहिर्मुखता को छोड़कर मन को अंतर्मुख कर लेना, विषय चिंतन छोड़ करके स्वरूप चिंतन आत्म चिंतन करना, यह अमृत है।
और ये ऐसा अमृत है कि इसे हर कोई अपने जीवन में प्रयोग करके इसका लाभ ले सकता है। स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, गृहस्थ हो, कोई भी। स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ आखिर हैं तो सब मनुष्य, और मनुष्य मात्र की अभिलाषा क्या है? दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति। उद्देश्य सबका एक है, अलग अलग उद्देश्य नहीं है, तो रास्ता भी सबका एक ही है, अलग अलग रास्ता नहीं है। कम खाना अमृत, ज्यादा खा खा करके हम अपने शरीर में जहर इकट्ठा करते हैं। ज्यादा खाना कभी किसी के लिए हितकर नहीं होता है। कम खाना सदैव हितकर होता है। अब कम खाना किसको कहा जाए, कितने खाने को कम खाना कहा जाए, इसकी कोई एक निश्चित सीमा रेखा नहीं है कि इतना खाना ही कम खाना है, इससे इतना खाना ज्यादा खाना है। सबकी खुराक अलग अलग और सबकी आवश्यकता भी अलग अलग। किसी के लिए दो रोटी ज्यादा हो सकती है और किसी के लिए 6-8 रोटी कम हो सकती है। कोई शारीरिक मेहनत करता है, शरीर से कठोर परिश्रम करता है, स्वाभाविक है उसकी खुराक ज्यादा होगी, उसकी आवश्यकता भी ज्यादा होगी। जो शारीरिक परिश्रम नहीं करता, मानसिक परिश्रम करता है, बैठे बैठे परिश्रम करता है, स्वाभाविक है उसकी खुराक कम होगी। इसलिए निश्चित सीमा रेखा नहीं कर खींच सकते। कम खाने का अर्थ क्या है? उतना खाना जितना खाने के बाद पेट भरा भरा और फूला हुआ जान न पड़े। अगले खाने का समय जब आए तब फिर भूख लग जाए, और भूख न लगी हो अगले खाने के समय, दोपहर में आपने थोड़ा ज्यादा खा लिया, शाम के समय भूख नहीं लगी है तो न खाएं। कई बार देखा जाता है किसी कहा चलो भाई भोजन कर लो, भूख तो नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं इसलिए चलो दो रोटी खा लेता हूं, तब मतलब क्या होता, भूख नहीं है तब? आपने देखा होगा आपके घर में गाय बैल भैंस कोई जानवर है, और जानवर का पेट भरा हुआ है तो उसके सामने जो रख दो वो कभी खाएगा नहीं। जानवर कभी स्वाद के चक्कर में पड़ करके नहीं खाता है, जानवर सदैव पेट भरने के लिए खाता है। भूख मिट गई, पेट भर गया, फिर वो छोड़ देता है, देखता भी नहीं है उधर। और आदमी भूख नहीं लगी है तो भी खाता जा रहा है, भूख नहीं लगी है तो भूख लगाने के लिए चूरन खा रहा है, मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा खाते हैं उतना रोग बुलाते हैं। और सच यह है जो आदमी ज्यादा खाता है वह आधा तो अपने लिए खाता है और आधा डॉक्टरों के लिए खाता है। आदमी खाने पर संयम करे तो 50% बीमारी अपने आप दूर हो सकती है। खाने में सदैव सुपाच्य, संतुलित और सात्विक वस्तुओं का ध्यान रखें। गरिष्ठ चीजें सदैव नुकसान दे, अधिक तली भुनी चीजें, अधिक मिर्च मसाला, अधिक खटाई मिठाई, अधिक तेल घी सबके लिए नुकसान दे। इनका प्रयोग जितना संभव हो कम करें।
सात्विक हो और सुपाच्य हो, जल्दी पचने वाली चीजें खाएं। खाते समय कभी किसी को न कहें कि और ले लीजिए और ले लीजिए और खा लीजिए। मेहमान आता है तो लोग प्रार्थना करते हैं, अरे थोड़ा और लो थोड़ा और लो। और कहीं पकवान बना हो तब तो कहते और जबरदस्ती खिलाते हैं। अरे जबरदस्ती ना खिलाओ किसी को, किसी गरीब को भिखारी को दे दो तो वो आपका गुणवान करेगा। अधिक खिलाओगे किसी को तो वो आपको गुण नहीं गाएगा। माताएं भी कई बार घर में जब भोजन का समय आता है तब और थोड़ा ये ले लीजिए थोड़ा वो लीजिए। एक सज्जन कहते थे इलाहाबाद के, हमारी कॉलोनी में रहते थे, साहब क्या कहूं, जब मैं खाना खाने बैठता हूं तो जब खाना करीब करीब पूरा हो जाता है तो आपकी भक्तिन आती है और कहती है कि थोड़ा सा दही ले लीजिए। तो मैं था अच्छा ले आओ, तो दही दे देती है। अच्छा दही के साथ थोड़ा भात ले लीजिए, तो कैसा ले आओ थोड़ा लेते हैं। तो बस अधिक रोज अधिक खा लेता हूं, तो मतलब क्या होता है। इसलिए देवियों को भी चाहिए कि किसी को जबरदस्ती ना खिलाए। एक लेखक ने तो बड़ा मधुर व्यंग किया है, जो देवी भोजन के समय अपने पति को जिद कर करके खिलाती है, थोड़ा ये खाओ थोड़ा ये खाओ थोड़ा वो खाओ, रोज जिद कर करके खिलाती है, वो जल्दी विधवा होने की तैयारी कर रही है। रोज जब जिद करा करके रोज जिद कर करके खिलाओगी तो उसका उसका पेट खराब होगा, बिगड़ेगा, शरीर में बीमारी आएगी, जल्दी शरीर का नाश हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि कम खाना अमृत। अब कम खा करके देखें, शरीर हल्का रहेगा, मन हल्का रहेगा, काम करने में लिखने में पढ़ने में मन में प्रसन्नता रहेगी, शरीर में स्फूर्ति रहेगी। और जितना ज्यादा खाएंगे, शरीर भारी मन भारी, न काम करने में मन, न लिखने पढ़ने में मन, मस्तिष्क गर्म, क्या फायदा। एक लेखक ने लिखा है, तीन चीजें तीन बातों पर आदमी ध्यान दे तो शरीर में बीमारी नहीं आएगी। उन्हें लिखा है, पेट नरम, पैर गरम, सिर को रखो ठंडा, गर डॉक्टर आवे घर में मारो उसको डंडा। पेट को नरम रखो, पैर को गरम रखो, सिर को ठंडा रखो, इसके इन तीनों को रखोगे तो आपके घर में डॉक्टर आ सकते हैं, यदि डॉक्टर आता है तो डंडा मारकर खदेड़ो उसको। अर्थ है कि पेट नरम कब होगा, जब भोजन पर हम ध्यान देंगे, सात्विक सुपाच्य संतुलित और कम मात्रा में खाएंगे, पेट नरम रहेगा, बीमारी होगी नहीं, कब्ज रहेगा नहीं, बीमारी क्यों होगी। पैर गरम, शरीर से मेहनती बनो, जब जैसा अवसर आए खूब परिश्रमी बनो, खूब परिश्रम करते रहो। जो आदमी परिश्रमी होगा उसको बीमारी नहीं होगी, कम बीमारी होगी। और सिर को रखो ठंडा, सिर को ठंडा रखो, उत्तेजना से बचें, गलत विचार से बचें। बस जितना हमारा मन उत्तेजित रहता है, थोड़े थोड़े में उत्तेजित होता रहता है, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और शरीर बीमार होता है। लेकिन आजकल सभ्यता बढ़ती गई, पढ़ाई लिखाई बढ़ती गई, उल्टा होता जा रहा है, पेट कड़ा, पैर मुलायम, सिर स्टील प्लांट की भट्टी जैसा गरम। थोड़े थोड़े बातों में उत्तेजित लोग, थोड़े थोड़े बातों में लोग लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, मार पीट, गलत गलत चीज खा करके पेट को बिगाड़ रखे हैं और काम करना नहीं चाहते। हर किसी के मन में असंतोष असंतोष असंतोष,
किसका मन शांत है, किसका मन संतुष्ट है, कौन तृप्त है। जीवन की शैली, जीवन की रहनी ही बदल चुकी है। इसलिए पहली बात, स्वस्थ रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, खुल करके काम करना चाहते हैं, तो भोजन पर ध्यान दे, कम खाएं। यह अमृत का पहला अनुभव होगा। कम बोले, बिना बोले काम चलेगा नहीं। आदमी जानवर नहीं है, आदमी आदमी है, और एक आदमी का दूसरे आदमी से व्यवहार है, और व्यवहार में सबके सब मौन हो जाएं, तो व्यवहार कैसे चलेगा। इसलिए बोलना तो पड़ेगा, लेकिन कम बोले, ज्यादा खाकर कहना चाहिए, बिना विचारे खाकर, बिना विचारे बोलकर और बिना विचारे काम करके आदमी को सदैव पश्चाताप करना होता है। जो विचार पूर्वक खाएगा, विचार पूर्वक बोलेगा, विचार पूर्वक काम करेगा, उस आदमी को कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। बिना विचारे खाते हैं, बिना विचारे बोलते हैं, बिना विचारे काम करते हैं, कोई भगवान कोई देवी देवता आपको सुखी नहीं बना सकता है। भगवान की पूजा, भगवान का आराधना क्या है? भगवान की असली पूजा, भगवान की असली भक्ति, भगवान की असली उपासना तो यही है, विचार पूर्वक बोलना, विचार पूर्वक खाना, विचार पूर्वक काम करना और विचार पूर्वक सोचना। खाने में, पीने में, बोलने में, काम धाम में, सब में संयम, सब में संतुलन। दुख कहां होगा, पीड़ा क्यों होगी? असली पूजा को हम भूल जाते हैं, बाहर की पूजा में जिंदगी भर पड़े रह जाते हैं। बाहर जो आप पूजा करते हैं, करें, उसके लिए मनाही नहीं है, उसके लिए रोक टोक नहीं है। जैसी आपकी भावना, जैसी आपकी श्रद्धा है, वैसी पूजा करो, उपासना करो, नाम जपो, लेकिन जीवन में संतुलन, सब जगह विचार का प्रयोग। मैं कह रहा था कि कम बोलना अमृत, ज्यादा बोल बोल करके ही तो कलह होता है। कम बोलने से कलह क्यों? कम बोलने वाले को पश्चाताप नहीं करना पड़े, कम बोलने वाले की जबान से गलत बात नहीं निकलेगी, लेकिन हमारी आदत ज्यादा बोलने की और बिना विचारे बोलने की, उसी से हम रहते हैं तनाव में, मन का असंतुलन बना रहता है। उतना बोलें जितने से काम चल जाए। आप देखेंगे हम सब की आदत ज्यादा बोलने की है। जितना हम लोग बोलते हैं ना, सुबह से शाम तक व्यवहार में, उसमें से 75-80% अनावश्यक होता है, केवल 20-25% ही काम की बात होती है। विश्वास आपको नहीं होगा, आप प्रयोग करें। सुबह जब आपकी नींद खुले और शाम तक, सुबह से शाम तक जितना आप बोलते हैं उस सब की रिकॉर्डिंग करते चले जाएं, कुछ भी ना छोड़ें, सब की रिकॉर्डिंग करते चले जाएं, और दो दिन बाद अकेले में बैठ करके उस रिकॉर्डिंग को सुने आप, तो आपको लगेगा यह न बोलता तो भी काम चलता, यह न बोलता तो भी काम चलता, यह नहीं बोलता तो भी काम चलता। आप परीक्षा करके देख लीजिए, जितना बोलते हैं 75% अनावश्यक होता है, और ज्यादा बोल बोल करके अपने मन को हम चंचल तो करते हैं, शरीर की एनर्जी को भी अपव्यय करते हैं। बोलने से हमारे शरीर की ऊर्जा का बहुत ह्रास होता है, इसलिए कम बोलें। कम बोलेंगे तो अनावश्यक बात नहीं बोलेंगे, गलत बात नहीं बोलेंगे, और कम बोलेंगे तो जबान से तो गाली निकलेगी ही नहीं। कम बोलने वाला गाली क्यों बकेगा?
और गाली तो केवल असभ्यता है। गाली हमारी मूर्खता की पहचान है, इसलिए कभी किसी को गाली न दे। कोई गाली देता है तो सुन लें, गाली का उत्तर गाली से न दें। गाली का उत्तर गाली से देंगे तो गाली और बढ़ती चली जाएगी। आवत गाली एक है पलटत होए अनेक, कहें कबीर ना पलटिए वही एक की एक। गाली आती है तो अकेली आती है, पलट दो तो अनेक हो जाती है। आप कहते पलटो मत, एक की एक रहेगी मर जाएगी। गाली असभ्यता मूर्खता की पहचान। कुछ लोगों की आदत होती है गाली देने की, बात बात में गाली, बात बात में गाली। अरे इतना ही नहीं, आदमी को तो गाली देते हैं, थाली को, लोटा को, खाट को, कपड़े को, दरवाजे को, पेड़ को, पहाड़ को, कुत्ते बिल सबको गाली देते हैं, आदत ही है। क्या मतलब होता है, अपनी जबान को गंदी क्यों करते हैं? जबान को गंदी ना करें, पवित्र जबान। जरा सोचें, हमारे पास जबान न होती तो व्यवहार में हम कितने दुखी रहते। जानवरों के पास जबान नहीं है, कहीं शरीर में बीमारी है, रोग है, दुख है, पीड़ा है, वो बता नहीं सकते। हमारे पास है जो चीज है मुफ्त में मिलती है, हम उसका दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। जबान मुफ्त में मिली है, उसके लिए पैसा तो देना नहीं पड़ा है, इसलिए बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, सोचते हैं जितना बोलेंगे किराया थोड़े देना पड़ेगा, इसलिए बोले जहां जितना बोले। तो बोल बोल करके अपने मन को खराब करते हैं। मन की चंचलता क्यों होती है? क्योंकि वाणी की चंचलता है। वाणी को चंचल न करें, कम बोलें, वह बोलें जो उचित हो, आवश्यक हो, और सामने वाला सुन करके प्रसन्न हो, ऐसी बातें बोलें। तो जैसे कम खाना अमृत, वैसे कम बोलने वाला का मन अमृत बन जाता, तो पछताना नहीं पड़ता उसको। अब यह है बिल्कुल साधारण सी बात, हर आदमी के लिए आवश्यक। क्यों तनाव में है आदमी? और इतना नहीं, दूसरों से तो कम बोले ही, अपने से भी कम बोले। अकेले में बैठे हैं और मन कहां क्या क्या बोल रहा है, कभी ख्याल किया है? उसी तो जब सोचते हैं ना, वो बोलना ही तो है। इसलिए कहा गया कि कम सोचना अमृत। अकेले में आदमी रहता है तो ऐसा थोड़े कि शांत है। अब कभी कभी लड़ाई हो गई घर में, पति पत्नी से, पिता पुत्र से, भाई भाई से, और गुस्सा के मारे आदमी बोलता नहीं है, लेकिन जबान तो नहीं बोलती, मन कितना बोलता रहता है। इतना बोलता मन, इतना बोलता है मन कि हद। कम सोचें, सोच सोच करके आदमी पागल बनता है। जितना हम सोचते हैं ना, उसमें से 90-95% अनावश्यक होता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब पुरानी पुरानी बातों को लेकर के हमारा मन सोचता रहता है, कल्पना की उड़ान भरता रहता है। कम सोचें, चंचल क्यों होगा मन? कितने लोग कहते हैं साहब ध्यान में बैठते हैं तो मन रुकता नहीं है, बहुत भागता है यहां वहां, बड़ा चंचल हो जाता है मन। कहां भागता है मन, कैसे भागता है? कोई निकल कर तो भागता नहीं है। मन को भागने का अर्थ क्या है? सोचना, और जो नहीं सोचना चाहिए वह सोचना। मन की चंचलता किसे कहते हैं? हर आदमी का अनुभव है, सब कहते हैं साहब मन बहुत चंचल है, मन तो रुकता नहीं, शांत होता नहीं है। ये मन की चंचलता का अर्थ क्या है? सरल बात है, जिस समय जो बात नहीं सोचना चाहिए उस समय वह बात सोचना, ये मन की चंचलता है।
जैसे हम उदाहरण से समझ लें, यहां आप आए हैं क्यों आए हैं? सत्संग श्रवण करने के लिए। आपका शरीर यहां बैठा है और सोच रहा है मन कि लड़के ने बैल को पानी पिलाया है कि नहीं पिलाया। अभी यहां सोचने की आवश्यकता? आप यहां जितना सोचो लड़का पानी तो नहीं पिलाएगा, उसकी क्या आवश्यकता यहां सोचने के लिए? घर जाना, या तो लड़के को सहज करके आए होते कि बेटा मैं जा रहा हूं और तुम बैल को पानी पिला देना, या बाजार जाकर के अमुक सौदा खरीद लाना, या खेत जाकर के ये काम कर लेना, सहज करके आए होते। अब यहां तो आप सोच रहे हो, तो आप जब सोचेंगे तो वो काम तो कर नहीं पाएंगे यहां बैठे बैठे, और जो कुछ कहा जा रहा है वो है उसको आप समझ भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे, तो यहां का भी नुकसान हो गया और वो काम हुआ नहीं, यहां से भी गए वहां से भी गए। एक समय में एक बात, एक समय में एक बात आप सोचते हैं ना, तो खाते पीते काम धंधा करते रास्ता चलते आपका ध्यान लगा रहेगा। ध्यान क्या है? एक समय में एक काम करना, वो ध्यान है। भोजन खा रहे हैं, बस खाली भोजन को ही ध्यान रखें और कुछ मत सोचें। देखेंगे भोजन करना भी आपका पूजा बन जाएगा, भोजन करना भी ध्यान बन जाएगा। खेत में हल चला रहे हैं, बस उसी के बारे में सोचें और दूसरी बात ना सोचें, तो आपका खेत में हल चलाना भी पूजा बनेगा, ध्यान बनेगा। एक समय में मन में एक बात सोचना तो जीवन का हर काम पूजा बन जाएगा, हर काम ध्यान बन जाएगा। ऐसा हम नहीं करते हैं। एक समय में थोड़े थोड़े में हमारा मन बदलता रहता है, क्या क्या सोचता रहता है। इसलिए पूजा करना भी पूजा नहीं बनता, ध्यान करते समय भी ध्यान नहीं लगता है, सोचना गलत है। अब बहुत ज्यादा सोच लेता है आदमी, तो कम सोचना अमृत। जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही मन में तनाव आता है, और तनाव का अर्थ क्या है? जहर। तनाव में आदमी प्राप्त सुख का भी अनुभव नहीं कर सकता है। जिस आदमी का मन तनावग्रस्त है, वर्तमान में मिली हुई चीजों का भी वह बराबर उपयोग नहीं कर सकता। मन को सरल रखें, ख्वाहिशें कम, कामनाएं कम, सोचना कम, मन सरल बना रहेगा और आप प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। प्रसन्नता ही तो अमृत है, तनाव चिंता भय यही तो जहर है। प्रसन्नता कौन नहीं चाहता? तो प्रसन्नता पाने के लिए कर क्या रहे हैं? बड़ा मकान बना लिए, बड़ी गाड़ी खरीद लिए, बहुत बैंक बैलेंस बढ़ा लिए, ठीक है, ये सब जीवन जीने के लिए आवश्यक है। लेकिन बड़ा मकान बन जाएगा तो मन प्रसन्न हो जाएगा, बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा, और बहुत धन कमा लेंगे मन प्रसन्न हो जाएगा? नहीं हो सकता। मन में कड़ता है, ईर्षा है, द्वेष है, बैर विरोध है, बड़ी गाड़ी क्या करेगी। एक सज्जन ने एक गाड़ी मंगाई थी विदेश से, रॉल्स रॉयस कार, कम से कम उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए होगी। पैसा था उसके पास, अरबपति थे, रॉल्स रॉयस कार मंगाए, लेकिन अपने पिता से वो बात नहीं करते थे। पिता सामने आ रहे हैं तो रास्ता बदल कर चले जाते थे। और उस आदमी ने जब अपने लड़के की शादी की तो अपने मित्रों को निमंत्रण दिया, कारखाना में काम करने वाले खासा लोग निमंत्रण दिया, और सबको ले गए विदेश हवाई जहाज से, लेकिन अपने माता पिता को निमंत्रण नहीं दिए। प्रसन्न रहेगा मन? ये सही घटना बता रहा हूं, बनावटी बात नहीं है। माता पिता को, भाई को निमंत्रण नहीं दिए अपने अपने बेटे की शादी में, अब बड़ी गाड़ी, बड़ा अरबपति, प्रसन्न रहेगा मन? सुखी जीवन मन बनेगा? जहर भरा हुआ है मन में तो क्या करेगा पैसा? क्यों ऐसा हुआ? ख्वाहिशें बहुत ज्यादा, तृष्णा बहुत ज्यादा,
भोग लालसाएं बहुत ज्यादा, और जितना ऐसा होगा मन उतना चंचल और जहर बना रहेगा, जीवन ही जहर बन जाएगा। तो सोचें कम, सोचने पर संयम करें, कम बात सोचेंगे मन सरल रहेगा, निर्ग्रंथ रहेगा और प्रसन्नता का, शांति का, सुख का अनुभव, अमृत से भरा हुआ मन, तृष्णा त्याग करके संतोष रहना, ये अमृत है। तृष्णा आदमी को चैन से बैठने नहीं देती है। तृष्णा का अर्थ क्या है? और मिले और मिले और मिले और मिले, आशा और तृष्णा, इन दोनों के चक्कर में पड़ा हुआ आदमी कभी चैन से बैठ नहीं सकता। आशा जो नहीं मिली हुई है उसको पाने की इच्छा आशा कहलाती है। मिल जाने पर और मिले और बढ़े यह कामना तृष्णा कहलाती है। और तृष्णा ऐसी चीज राक्षसी है, जितना भी इसमें डालो कभी वो शांत होने वाली नहीं है। आदमी की खोपड़ी ही उल्टी है। आदमी दुखी इसलिए नहीं है कि खाने को मिल नहीं रहा है, आदमी दुखी इसलिए है कि मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, असंतोष बना हुआ है। और जिसके मन में असंतोष है, यदि वो अरबपति भी है तो दरिद्र है। भागवत पुराण में कहा गया है, दरिद्रो यस्त संतुष्ट कृपणो यो अजतेन्द्रिय गुणेशु सक्त धीरिशु गुण संगो विपर्य। दरिद्र कौन? जो असंतुष्ट है। प्राप्त वस्तुओं में जो संतुष्ट नहीं रह सकता वो दरिद्र। धनवान कौन, बादशाह कौन? जिसके मन में संतोष। राजा बादशाह तो केवल कहने के लिए है, अमीर आदमी है, अरबपति, नींद नहीं आ रही है रात में, कलर बदलते रात बीत रही है, तो अरब रुपए क्या करेगा? थोड़ी संपत्ति है, बिस्तर पर लेटे और लेटते ही नींद आ गई, एक ही नींद में पूरी रात समाप्त, कौन सी कमी है आपको? एक राजा सुबह सुबह घूमने के लिए निकले थे अपने शहर के बाहर, गए देखा कि एक बाग में एक पेड़ के नीचे महात्मा ध्यान में बैठे हैं। बाग में क्या है, घास फूस, मच्छर काट रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं। अब राजा तो उसके पास कौन कमी है? अहंकार से भरा हुआ मन, मेरे पास इतना है, मैं इतने लोगों का स्वामी, ये है वो है। और महाराजा, ये महात्मा चितरा लपेटे नंगी जमीन पर बियाबा में बैठे हैं, व्यंग किया राजा ने महात्मा पर, कहो महात्मन रात कैसे गुजरी? तो महात्मा भी कम नहीं थे, महात्मा ने कहा कुछ तुम्हारे जैसी और कुछ तुमसे अच्छी। राजा ने कहा वाह, जमीन पर बैठे हुए हो, फटी चटाई बिछा करके, शरीर पर बराबर कपड़ा भी नहीं है, कीड़े मकोड़े मच्छर काट छेद रहे हैं, और कहते हो कि कुछ तुम्हारे जैसी कुछ तुमसे अच्छी। ये तो बताओ कुछ मेरे जैसी रात कैसे बीती और कुछ मेरे से मुझसे अच्छी रात कैसे बीती? तो महात्मा ने कहा राजन, जब मेरी और आपकी दोनों की गाढ़ी नींद लग गई, तब न मुझे यह पता था कि मैं नंगी जमीन पर सोया हूं, ना आपको पता था कि मैं मखमली गद्दे पर सोया हूं। नींद में गाढ़ी नींद में हम तुम दोनों बराबर हो गए। गाढ़ी नींद आपको लग जाए, यहीं सो जाए, पता चलेगा कि मैं नंगी जमीन पर सोया हुआ हूं? पलंग पर सोए हैं मखमली पलंग पर, राजभवन में सोए हैं, गाढ़ी नींद में पता चलता है क्या आपको? गाढ़ी नींद में सब भूल गया। गाढ़ी नींद में
राजा रंग साधु फकीर बूढ़े बालक सब एक समान हो गए, वहां कोई उचित स्थिति नहीं है, सब बराबर गाढ़ी नींद में, क्योंकि गाढ़ी नींद में सब भूल जाता है। राजा अपने राज्य को भूल गया और दरिद्र अपने अपनी दरिद्रता को भूल गया, झोपड़ी को भूल गया, दोनों बराबर एक समान सुख। तो महात्मा ने कहा जब मेरी गाढ़ी नींद लगी, आपकी गाढ़ी नींद लगी, तो मेरी और आपकी रात एक बराबर हो गई, और कुछ आपसे अच्छी कटी। इसका मतलब यह हुआ कि मैं जब तक जाग रहा था, जब तक मेरी नींद नहीं लगी थी, तब तक मैं ध्यान में, चिंतन में, आत्मचिंतन में, भगवान के चिंतन में लगा हुआ था, आत्मा परमात्मा का चिंतन कर रहा था, स्वरूप विवेक का चिंतन कर रहा था, निर्मल था मन। और जब तक आप जाग रहे थे तब आपका मन विषय वासना में डूबा हुआ था, चिंता में डूबा हुआ था, भय में डूबा हुआ था। तो आपसे अच्छी मेरी कट गई, जिसका मन विषय वासना में डूबा हुआ हो, जरा सोच ले राजा महात्मा का, जरा सोचे आप जाग रहे थे क्या सोच रहा था मन, विषय चिंतन, विषय विकार, भय, चिंता, काम क्रोध लोभ में आपका मन डूबा हुआ था, और मेरा मन भगवान के मन में डूबा हुआ था। तो आपका मन अच्छा था कि मेरा मन अच्छा था? स्थिति कितनी अच्छी थी? स्थिति तो मेरी अच्छी थी ना। तो राजा ने कहा महात्मा सच कहते हैं आप। तो तृष्णा में पढ़ करके आदमी कभी सुखी थोड़े हो सकता है। जिसके मन में संतोष, सुखी वह है, बादशाह वह है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेहनत ना करें, जो कुछ है सबको लुटा दें, लेकिन तृष्णा में तो ना पड़े ना, ये मिले, इतना कमाऊं, रात दिन आदमी भागा जा रहा है। पड़ोसी ने बढ़िया मकान बना लिया 3 तल्ले का, अब आदमी सोचता है मेरा भी 3 तल्ले का मकान कैसे बने। पहले देखो आपको आवश्यकता है कि नहीं है। पड़ोसी को आवश्यकता है 3 तल्ले के मकान की, उन्होंने बनवा लिया, अब आपको आवश्यकता नहीं 3 तल्ले के मकान की, आप बिना मतलब के सोच रहे हैं, आपका काम एक तल्ले में चल रहा है, उसमें रहो, पैसा बढ़ जाए तो बना लेना। लेकिन नहीं, मैं पड़ोसी से कम थोड़े हूं, पड़ोसी ने नई गाड़ी खरीद ली, मैं कम थोड़े हूं, पैसा नहीं है तो किराए पर खरीदो गाड़ी, इंस्टॉलमेंट जो कहा जाता है कि आजकल तो मिलती गाड़ी लोन पर मिलती है, भरते रहो लोन हर महीना, लेकिन गाड़ी चाहिए घर में, क्या मतलब है? होता था गाड़ी को महीना भर में कुछ दिन चलाओ मत, लेकिन खड़ी तो है ना, हम पड़ोसी कम नहीं है। ये जो देखा देखी है, ये जो बराबरी भावना, महत्वाकांक्षा, ये दुख देती है आदमी को। संसारी मामले में जितना आप बराबरी करोगे, महत्वाकांक्षा दूसरे के पिछाड़ोगे, उतना दुखी रहोगे। बराबरी करना है ना, किसी से होड़ लेना है, तो देखो मेरा पड़ोसी बड़ा ईमानदार, मैं ईमानदारी में से पीछे नहीं रहूंगा, इस प्रकार से बराबरी करो। मेरा पड़ोसी बड़ा सत्संगी, बड़ा सेवा परायण, संतों सेवा करने, भक्ति करने में मैं पीछे नहीं रहूंगा। मेरा पड़ोसी बड़ा ईमानदार, ईमानदारी में मैं पड़ोसी से पीछे नहीं रहूंगा। मेरा पड़ोसी बड़ा सत्यवादी, सत्य बोलने में पड़ोसी से पीछे नहीं रहूंगा। मेरा पड़ोसी बड़ा सज्जन, सज्जनता में पड़ोसी पीछे नहीं रहूंगा। ऐसी होड़ लगाकर तो देखो जीवन स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन कैसे होड़ लगती है क्या? अरे कहते हैं वो बुद्धू आदमी है, कमा कमा कर संतों खिला रहा, लुटा रहा है। हम बुद्धू थोड़े हैं, वहां पीछे हो जाएंगे। जिस संसारी मामले जितना होड़ लगाओगे उतना दुखी रहेंगे। ज्ञान में, भक्ति में, विवेक में, संयम में, साधना में, ईमानदारी में, सत्यपरायणता में, सज्जनता में, क्षमा में, प्रेम में, भक्ति में आप बराबरी करें, जीवन स्वर्ग बन जाएगा, अमृत बन जाएगा। और बातों में ये हर आदमी को, साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर आदमी को अपने मन में ये भाव रखना चाहिए कि और मामलों में मैं दूसरों से पिछड़ जाऊं कोई हर्ज नहीं है, किंतु
सद्गुण सदाचार और भक्ति सेवा के मामले में मैं किसी से पीछे नहीं रहूंगा, ऐसा भाव रख करके आप काम करें, जीवन में कभी आपको दुख का पीड़ा का अनुभव नहीं हो सकता है। लेकिन संतोष नहीं है आदमी को, भागा जा रहा है। तो तृष्णा का त्याग करके मन में संतोष रखना, अमृत संतोष के समान सुख और कहीं किसी का सुख नहीं है। संतोष का अर्थ आलसी बनना नहीं है। लोग कहते हैं हम संतोष कर लें तो कामधाम बंद हो जाएगा, लोग आलसी बन जाएंगे। नहीं, आलसी आदमी संतोषी थोड़े होता है। संतोष का अर्थ क्या है? जब जैसा समय आपको मिले, जैसी आपकी योग्यता है, उस ढंग से जब जो काम का अवसर आए भरपूर परिश्रम पूर्वक जी जान से परिश्रम करें, कभी किसी भी काम से जी न चुराएं, और उस काम के परिणाम में जो मिले समझे कि ये बहुत है, बस ये संतोष है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हम कहते हैं अमुक काम छोटा अमुक काम बड़ा, नहीं, काम छोटा बड़ा नहीं है, काम तो काम बराबर। एक विदेश की घटना है, संसद भवन में बहस चल रही थी, गरम बहस चलती थी। एक सांसद ने कुछ कहा तो उसके विरोधी सांसद ने कहा हाँ हाँ मैं जानता हूं आपको, बड़े बुद्धिमान बन रहे हो, अरे मुझे मालूम है कि तुम्हारा पिता जूता बनाने का काम करते थे। तो उस सांसद ने कहा आप ठीक कहते हैं, मेरा पिता जूता बनाने काम करते, लेकिन नहीं बताए मेरा पिता गलत जूता तो नहीं बनाता था ना, जूता बनाने काम करता, अच्छा जूता बनाता था ना, बस काम बढ़िया है, जूता बनाने के ही काम है, बढ़िया जूता बनाओ गलत जूता ना बनाओ, काम तो आखिर जूता बनाने वाला भी तो आदमी है, जूता पहनने वाला आदमी तो जूता बनाने वाला आदमी, दोनों आदमी, जूता पहनने वाला बड़ा और बनाने वाला छोटा, ये कैसे हो सकता है? आदमी छोटा बड़ा काम से नहीं होता है, कर्म से होता है। काम जीवन निर्वाह का धंधा, वो काम है। कर्म शुभ कर्म अशुभ कर्म, चोरी हिंसा व्यभिचार झूठ बेईमानी, ये अशुभ कर्म है। दया क्षमा विवेक सेवा भक्ति, ये शुभ कर्म है। इनसे आदमी छोटा बड़ा होता है, काम से छोटा बड़ा थोड़ा होता। काम तो जो काम करना अवसर है वो काम करो। तो जब जैसा भी काम हो वो काम भरपूर होकर डूब करके और सच्चे मन से ईमानदारी पूर्वक करो, जो मिले उसमें समझो बहुत है, ये संतोष। लेकिन दुर्भाग्य हमारे यहां काम करने पर ईमानदारी नहीं है। आदमी बस सोचता है कि कम से कम काम करना पड़े, सरकारी नौकरी कहीं मिल गई तब तो और पूछना क्या। लोग सोचते हैं नौकरी ऐसी मिले कि काम कम करना पड़े। एक युवक आया गुरुजी के पास, बहुत दिन से नौकरी की तलाश में था, साल दो साल के बाद मिला। गुरुजी ने पूछा कहो बेटा कुछ काम धाम मिला, नौकरी मिली? हाँ गुरुजी नौकरी तो मिल गई, लेकिन गुरुजी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिली, बहुत मेहनत करना पड़ता है। हाँ गुरुजी ने कहा कि सरकारी नौकरी मिलती तो बेईमानी करने का अवसर ज्यादा मिलता। सरकारी नौकरी मिल गई तो अब काम करो या ना करो, जाओ या मत जाओ, इलाहाबाद की ही बात है। एक युवक आया अपनी पत्नी को लेकर के गुरुजी से मिलने के लिए, तो पूछा गुरुजी ने हालचाल। फिर युवक ने बताया साहब जी ये मेरी पत्नी है, इसको स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिल गई है पढ़ाने की। गुरुजी ने पूछा कहाँ पढ़ाती है, कितना दूर है? बताया साहब इतना दूर है। तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ से तो क्या तो रोज आना जाना होता है? नहीं गुरुजी, उस जगह तो रोज आना जाना संभव नहीं था, सप्ताह में दो दिन चले जाते हैं, दस्तक करते हैं, बस इतने काम चल जाता है। गुरुजी ने कहा अच्छी बेईमानी हो गई, सरकारी नौकरी ऐसे चलता है, काम कम न करना पड़े।
उसमें भी काम में अफसर गया, ऑफिस का टाइम है 9 बजे 10 बजे, पहुंच रहे 11 बजे 12 बजे, शाम को चाहिए 5 बजे तक काम करना, तो निकल गए 3-4 बजे ऑफिस से। किसी ने व्यंग किया है, आजकल की जो अभी स्थिति क्या है मैं नहीं कह सकता, सुधार बहुत हुआ है, लेकिन जगह जगह अभी भी कमी है। तो किसी ने सरकारी दफ्तरों पर व्यंग किया है, 12 बजे तक लेट नहीं, यदि 12 बजे अफसर पहुंच रहा है ना कर्मचारी, तो लेट नहीं हुआ है अभी, 12 बजे तक लेट नहीं और 3 के बाद भेंट नहीं, ये स्थिति है। और कहते हैं और हैं भगवान के बड़े पुजारी, बिना पूजा किए मुख में पानी भी नहीं डालते, ये बेईमानी, भगवान की पूजा से चले गए। भगवान की पूजा एक दिन भी मत करो, कोई जरूरत नहीं है किसी भगवान की पूजा करने के लिए। जहां रहते हैं जिस दफ्तर में काम करते हैं समय से जाओ, समय तक काम करो, परिश्रम डूब करके तत्परता पूर्वक काम करो, वो पूजा होगी। अब भगवान की पूजा तो बड़े भक्ति भावना से, और आदमी के साथ बेईमानी, काम चलेगा इससे? आदमी कितना भटक गए अपने है। तो मैं कह रहा था संतोष, तृष्णा का त्याग, तृष्णा अधिक अधिक की चाहना। उसी तृष्णा पर वो कहानी कही जाती है, अनेक बार गुरुजी ने दोहराई है कहानी को, मैं पुनः दोहराता हूं। एक केवट नदी किनारे झोपड़ी बना करके रहता था। एक दिन नदी किनारे किनारे घूम रहा था, वरुण देवता मिल गए। कहा जाता है कि वरुण देवता जल के देवता है। तो वरुण ने कहा कि भाई तुम बहुत दिनों से नदी किनारे रहते हो, मेरी बहुत पूजा की, उपासना किए, बहुत सेवा किए, तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी उपासना से मैं खुश हूं, तुम जो वरदान मांगना चाहते हो तो वरदान मांग लो। केवट ने कहा महाराज वरदान क्या मांगू, नदी में हर साल बाढ़ आती है, मेरी झोपड़ी बह जाती है, हर साल मुझे नई झोपड़ी बनाना पड़ता है, अब यही वरदान दे कि मेरी झोपड़ी एक पक्का मकान बन जाए। और उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जाओ पक्का मकान बन जाएगा। उसकी झोपड़ी पक्का मकान बन गई। उसकी पत्नी आई, कही अरे हमारी झोपड़ी कहाँ गई थी, यहां तो हमारी झोपड़ी थी। केवट ने कहा यही तुम्हारी झोपड़ी है, अब पक्का मकान हो गया है यहां पर। कहे कैसे हुआ, कहा कि घूम रहा था नदी किनारे किनारे तो वरुण देवता मिल गए, उन्होंने कहा आशीर्वाद मांगने के लिए वरदान मांग ले, तो यही वरदान मांगा मैंने। उसकी पत्नी ने कहा तुम बड़े बेवकूफ हो, वरुण देवता मिले, वरदान मदे ने कहा तो पक्का मकान का, अरे मांगना था तो कहते कि हमारा मकान, हमारी झोपड़ी किला बन जाए। तो कहा क्या करूं, कहा जाओ अभी वरुण देव कहीं गए नहीं होंगे, उनसे वरदान मांगो कि हमारा जो झोपड़ी मकान बन गया पक्का मकान, वो किला बन जाए। गया, कहा कि भगवान मेरी पत्नी कहती है जो झोपड़ी थी जो मकान बन गया वो बहुत बड़ा किला बन जाए। वरुण ने कहा जाओ भाई किला बन जाए, किला बन गया। तो उसकी पत्नी ने कहा ये तो ठीक है हमारा पास किला हो गया, लेकिन ये बताओ किला किसका होता, किला तो राजा का होता है ना, तुम्हारे पास कोई राज है, जा मांगो राज मांगो तब तो किला का आनंद होगा। गया, कहा महाराज हमारी पत्नी कहती है कि राज मिले। कहा अच्छा चलो कुछ दिन के रमन सिंह को हटा करके तुम्हें बना देता हूं छत्तीसगढ़ का राजा। छत्तीसगढ़ का राजा बन गया, आया तो राज मिल गया। तो उसकी पत्नी कहा लेकिन हम ये मनमोहन सिंह बैठे हुए हैं दिल्ली में, आग तरते रहते हैं, जा पूरे भारत का राज्य मांगो, इसे थोड़े होगा हम किसी का अधीन रहे। कहा महाराज मेरी पत्नी कहती पूरे भारत राज्य, चलो मनमोहन सिंह को बैठा देता हूं, अब तो चुनाव आने वाला है ना, ऐसा समय रहा होगा। तो बन गया। तो उसकी पत्नी ने कहा लेकिन बात तभी भी बनी नहीं, भारत का राज्य तो मिल गया लेकिन इधर कभी चीन आग दिखाता है, कभी पाकिस्तान आग दिखाता है, कभी बांग्लादेश आग दिखाता है, कभी अमेरिका डांटता है, ठीक नहीं है। जाओ वरुण देव से कहो कि पूरी दुनिया पर हमारा राज्य हो जाए। गया, कहा महाराज हमारी पत्नी चाहती है कि पूरी दुनिया पर राज्य हो गया, अच्छा जाओ चक्रवर्ती सम्राट बना देता हूं तुमको, पूरी दुनिया पर राज्य हो गया। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा बात अभी भी बनी नहीं,
ये तो ठीक है कि पूरी दुनिया भर का हमारा राज्य हो गया, लेकिन ये बताओ अभी तो हमारे वैज्ञानिक उड़ान भर रहे हैं, चंद्रमा में आदमी नहीं मिले, मंगल में भी नहीं मिले, कहीं और ग्रह में कोई आदमी हो, वो जीवन हो, तब उन पर भी हमारा अधिकार हो, उन पर भी हमारा शासन चले। ऐसा आपकी बात, ऐसा मांगो पूरे भूमंडल पर, ग्रह से जितने पर है उतने पर हमारा राज्य हो जाए, और जब जब चाहे तब गर्मी हो, जब चाहे तब बरसात, जब चाहे तब ठंडी, स्त्री को पुरुष बना दे, पुरुष की स्त्री बना दे, ऐसा वरदान मांगो। गया कहा मैं, हमारी पत्नी ऐसे कहती है, तो वरुण ने कहा अब तुम कायदे के बाहर जा रहे हो, चलो उसी झोपड़ी पर रहो। फिर झोपड़ी में रह गया। जैसे तैसे एक कहानी है बात को समझाने का तरीका। जल का कोई देवता नहीं होता है, और किसी के कहने मात्र से झोपड़ी मकान नहीं बनेगी, झोपड़ी झोपड़ी ही रहेगी। कोई कह दे कि जा तुम्हारी झोपड़ी मकान बन जाए, नहीं होने वाला है। किसी को कह दे जा तुम्हारा ऐसा हो जाए, नहीं होने वाला। ये शाप और वरदान की कहानियां बहुत चलती है, और इस शाप और वरदान की कहानियां आम जनता पर दबदबा बनाए रखने के हथकंडे हैं बड़े। ये पुरोहितों ने, मुल्लाओं ने, और अनेक जो धूर्त गुरुओं ने जनता पर दबदबा कायम रखने के लिए, जनता को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखने के लिए झूठी झूठी कहानियां गढ़ रखी है। ये आशीर्वाद दे दिया, ये हो गया, उसको साप दिया, ये हो गया, कुछ नहीं है। बड़े बड़े चमत्कारी बाबा आज जेल में सड़ रहे हैं, उनका उनका चमत्कार गायब हो चुका है, कहां कहीं कुछ नहीं हो रहा है। किसी मुर्दे जला दिया, किसी गाय जला दिया, किसी कहीं के बाढ़ को रोक दिया, कहीं किसी आदमी बीमारी दूर कर दिया, जेल में चले गए, सब चमत्कार खत्म हो गया। किस दिन काम आएगा वो चमत्कार? बड़े बड़े तांत्रिक जेल में चले गए, तंत्र मंत्र कोई काम नहीं आया, दुआ भूत कोई काम नहीं आया। इस चक्कर में ना पड़ो, चमत्कार नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। प्रकृति में कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, बकवास। अपना मन कमजोर रखोगे तो आपको भटकाने वाले, ठगने वाले बहुत मिलेंगे। मन को बलवान बनाओ, ये तो जीवन है। जीवन में कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है, कभी सुख कभी दुख, कभी संयोग कभी वियोग, कभी अपमान कभी सम्मान, ये तो चलता ही रहता है। सबके जीवन में आना है, परिश्रम करें, सरलता पूर्वक, सात्विकता पूर्वक जीवन जिए, मन में संतोष रखें, बस काम खत्म। तो तृष्णा का त्याग करके संतोष रखना अमृत, मन की बहिर्मुखता को छोड़ करके अंतर्मुख कर लेना, और आत्मचिंतन में मन का डूबे रहना अमृत। बहिर्मुखता नरक, मन की अंतर्मुखता स्वर्ग। मन तो एक ही है ना, उस मन को चाहे काम में लगाओ चाहे राम में लगाओ। काम में मन लगाएंगे तो दुख पीड़ा भटकाओ, राम में मन लगाएंगे शांति सुख संतोष भटकाओ खत्म। मन का हर समय शरीर संसार के चिंतन में डूबे रहना, उनका ख्याल करते रहना, यही वासना है। और मन का संसारिक चिंतन से हट करके आत्मचिंतन में लग जाना, यही उपासना है। और इस उपासना का परिणाम जीवन की निर्मलता, अमृत का अनुभव। आप काम लें, व्यवहार का जो भी काम है वो काम करें, लेकिन हर समय उनका चिंतन न करें। चिंतन ही तो है आत्मा राम। साहब ने कहा है कर से काम, मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। शरीर से परिश्रम करो, परिश्रम करने से कभी कोई संकोच नहीं करना चाहिए किसी को भी। साधु महात्माओं को भी जब अवसर पड़े तो परिश्रम करना चाहिए, करते ही हैं। तो शरीर से भरपूर परिश्रम और मन को राम में लगाना, कर से काम, हाथ से काम करो, परिश्रम करो, मन से मन को राम में लगाओ, राम का चिंतन करो,
व्यवहार का काम बढ़िया बनेगा, परमार्थ का काम बढ़िया बनेगा, व्यवहारिक उन्नति होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो मन को बहिर्मुख बना करके न रखो। बहिर्मुख बनाने का अर्थ क्या है? जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचना, शरीर संताप चिंतन करते रहना। सब कुछ बदलने वाला है, हमारा शरीर बदल रहा है, संतार बदल रहा है, और एक दिन बदलते बदलते हमारा शरीर सदा के लिए प्रकृति की गोद में चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हमारे दादा बाबा परपादा चले गए, आज कहां उनका है? खोजने भी जाएं कि हमारे इसी धरती में हमारे दादा बाबा गाड़े गए हैं, लाजर देखते हैं, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। एक दिन दशा हमारी भी आने वाली है, इसलिए शरीर का उपयोग करें, अन्य जो शरीर के निर्वाह की जो चीजें हैं उनका भी उपयोग करें, लेकिन उपयोग करते हुए आत्मचिंतन, आत्मोन्नति, आत्मसंतोष का काम करें। बहिर्मुखता से हटा करके अंतर्मुखता, क्योंकि मन में एक समय एक ही बात रहेगी, कभी मन तो ये कहे भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। साहब कहते मन तो ये कहे, चाहे संसार में लगाओ चाहे राम में लगाओ, दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। राम और काम, काम का मतलब कामना, तृष्णा, संसारिक वस्तुओं की चाहना। काम कर्थ जो आप काम समझते हैं, स्त्री पुरुष का संबंध वो तो है ही, लेकिन काम कर्थ है कामना। मैं यहां बैठा हूं और मेरे मन में ये हो कि लोग मेरे सामने हाथ जोड़े, मेरी पूजा करे, मेरा स्वागत करे, तो ये भी भयंकर काम है, और ये काम मुझे भटकाएगा भटकाएगा, दुख देगा ही दुख देगा ही देगा। जितने मैं सोचूंगा लोग मुझे इतना बड़ा माने, ऐसा माने, ऐसी पूजा करें, उतना मेरा मन भटकेगा और मन जहर बनाएगा बनाएगा। तो कुछ भी बाहर की चाहना, ऐसा मिले वैसा मिले, कामना। तो काम और राम दोनों एक साथ कभी हो नहीं सकते। जैसे रात और दिन दोनों एक साथ एक जगह नहीं हो सकते, अंधकार और प्रकाश एक साथ एक जगह नहीं रह सकते, ऐसे काम और राम दोनों एक साथ मन में नहीं रह सकते। इस पर एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जानते ही हैं आप सब, कहते हैं कि एक बार अंधकार ब्रह्मा के पास गया प्रणाम करने के लिए। कहानी है, अंधकार कोई चीज तो है नहीं, लेकिन अंधकार ब्रह्मा के पास गया प्रणाम करने के लिए। प्रणाम किया, बैठा। ब्रह्मा ने पूछा, कहो भाई अंधकार, सब कुशल मंगल है ना, ठीक ठाक तो जीवन जी रहे हो? अंधकार ने कहा, क्या भग कहा पिता मां, जब से जन्म हुआ है तब से भागते भागते बीत रहा है, एक क्षण भी फुर्सत नहीं है, न खाने की फुर्सत, न सोने की फुर्सत, न आराम करने, कुछ भी फुर्सत नहीं है। ये आपने अपना सूरज मेरे पीछे लगा दिया है, हर जगह सूरज मेरा पीछा करता रहता है, मुझे भागना पड़ता है, थक जाता हूं, जैसे आराम चाहता हूं सूरज पहुंच जाता हूं, फिर भागना पड़ता है मुझको, पता मैं नहीं मैंने सूरज का क्या बिगाड़ा है, मुझे चैन से रहने नहीं देता है। क्या अच्छा ऐसा है? ठीक है, अभी थोड़ी देर में सूरज मेरे पास आएगा, उसको मैं समझा दूंगा, तुम चले जाओ और अपना निश्चिंत रहो, अब तुम्हें सूरज परेशान नहीं करेगा। चला गया अंधकार। एक घंटे के बाद सूरज आया, वो भी प्रणाम करके बैठा, कुशल मंगल हुआ। ब्रह्मा ने पूछा, ब्रह्मा ने सूरज से कहा, क्यों भाई सूरज, तुम अंधकार को परेशान क्यों करते हो रात दिन? अंधकार अभी आया था, तुम्हारा शिकायत कर रहा था, न तुम उसे खाने देते हो, न पीने, न आराम करने, वो बेचारा परेशान बहुत है तुमसे, क्यों परेशान करते हो, क्या बिगाड़ा अंधकार ने तुम्हारा? सूरज ने कहा, अंधकार को परेशान, उसे तो मेरी मुलाकातें नहीं हुई है, और जिसे मुलाकात ही नहीं हुई उसको परेशान क्या करूंगा? लेकिन पितामा आप कहते हैं ना, तो भूल हो गई होगी, ऐसा करें अंधकार को आप मेरे सामने बुला दीजिए, उसे मैं क्षमा मांग लो, है कोई उपाय? कोई उपाय आप जाने तो ब्रह्मा को बता दीजिएगा। तो जैसे सूरज सामने अंधकार नहीं आ सकता, वैसे एक ही मन में एक समय में काम और राम दोनों नहीं रह सकते। या तो काम रहेगा या तो राम रहेगा। काम रहेगा तो मन में जहर बना रहेगा, दुख पीड़ा असंतोष। राम रहेगा तो मन में अमृत भरा रहेगा, सुख शांति संतोष प्रसन्नता। शुरू की थी अपनी बात मैंने कि हमारे मन में ही अमृत है और हमारे मन में ही जहर है, दोनों है। जहर उभरा रहता है, अमृत दबा रहता है।
हमें सेवा भक्ति सत्संग स्वाध्याय साधना करते हुए उभरे हुए जहर को दबाना है, दबाना ही नहीं है, मिटाना है, समाप्त करना है, और दबे हुए अमृत को उभार करके जीवन में प्रयोग करना है, करना है, जीवन भर में आच्छादित कर देना है। उसके लिए मैंने व्यवहार में कहा कि कम खाना अमृत, कम बोलना अमृत, कम सोचना अमृत, तृष्णा का त्याग कर संतुष्ट रहना अमृत, काम से हटाकर मन को राम में लगाना अमृत, मैं को बहिर्मुखता से हटा करके अंतर्मुख कर लेना अमृत, और यही जीवन जीने की सही कला है। इसी से ही हमारे जीवन की सफलता होती है। हम लोग अपने जहर को मारें, जहर को शांत करें और अमृत को भार कर उसका अनुभव करें। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम।